सो नाओ वी विल सी एथनिक ग्रुप कल्चर एंड फेथ अंडर दैनिंग ऑफ इक्वलिटी इक्वलिटी में इन तीन चीज़ों को कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है अब जैसे हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बचपन से इब्तदाई तालीम से शुरू करना चाहिए सो फर्स्ट वी हैव टेंट टू असीुम देअ फैमिली लाइफ हमें पता होना चाहिए कि उनका जो ख़ानदान है वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है उनकी क्या रूटीनस हैं वो कौन है क्या करते हैं किस तरह के लोग हैं ये मालूम हमारे एजुकेटर को बच्चे के लिए होनी चाहिए नेचुरली रीड फ्राम देयर चाइल्ड हुड अब देखिए जैसे मैं ये बात कर रही हूँ कि एजुकेटर को पता होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह बच्चे को भी अपने फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल तौर पर आगही होनी चाहिए अगर उसके एक्सटेंडेड फैमिली है ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ हैं उनकी हैसियत का भी पता होना चाहिए न्यूक्लियस फैमिली है तब पता होना चाहिए और ये कि शुरू से ही बच्चों बच्चे को मुताले की आदत डालें मुताल जो है देखिए जितने भी राइटर्स हैं पोइट्स हैं उन्होंने जिंदगी के हकाइक को लफ्ज़ों में समो दिया है अपने जिंदगी के तजुर्बा को लोगों के तजुर्बा को नसर में समो दिया है वो सारी चीज़ें शुरू से उनके कानों से गुजरेंगी उनके मुशाहिदे से गुजरेंगी आप उनको वो स्टोरी सुनाएंगे आप उनके साथ बात करेंगे रीड आउट करेंगे चीज़ों को तो उनका एक्सपोयर बढ़ेगा और उनको लगेगा जैसे हम मुख्तलिफ मुल्कों की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं तो उनको लगता है अच्छा वो भी यही करते हैं और उनके यहाँ भी फला चीज अहम है सो जज एंड देयर लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से ही बच्चे को देखें उसकी क्या बन रही है क्या उसके अंदर कोई या तो नहीं बन रहा अपने आप को लड़का या लड़की समझ के वो कहीं रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा अपने आप को कहीं बांध तो नहीं लिया उसने कि वो ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता एंड देन इवन लर्न वट इज प्रोफेशनलिज्म बच्चों को शुरू से इब्तदा ही से बताना है प्रोफेशनलिज्म क्या है प्रोफेशनलिज्म एक सेट ऑफ रूल्स है आप किसी भी शोबे में जाते हैं तो उसका एक सेट ऑफ रूल्स होता है आप उसको अबाइड बाय करते हैं उसको शुरू से बताया जाता है कि रूल्स क्या हैं गेम्स के रूल्स होते हैं अदब अदाब के रूल्स होते हैं उठने बैठने खाने पीने सोने जागने के रूल्स होते हैं इन रूल्स की पाबंदी करते हुए वो अपने लाइफ को डिसिप्लिनाइज करेगा तो ये सब कैसे होगा घरों के अंदर उनकी रूटीन को कंट्रोल किया जाता है उनको मश, उनको चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर की जाती हैं और स्कूलों के अंदर हम उनके सिलेबस के ज़रिए करिकलम के जरिए मुख्तलि गोशों में उनको बिठा के मुख्तु तरह की ट्रेनिंग्स करके छोटी छोटी ग्रुप एक्टिविटीज के तहत हम उनको ये सिखाते हैं सब चीज़ें सो so, उसके बाद है कल्चरल ट्रेडिशंस। देखिए इक्वालिटी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो मुख्तलिफ बच्चे ग्रुप्स में आएंगे वो डिफ़रेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते होंगे है ना जैसे हमने अर्ज़ किया पाकिस्तान जो है उसके मुख्तफ़ूबों के लोग मुख्तलिफ तरह की रवायात रखते हैं कल्चर जो है वो किसी एक पूरे नॉम का ग्रुप का एक नॉम होता है और उनका एक जैसा रहना सहना उनकी तकरीबात और उनके उनके रहने सहने के बाकी तरीके जो हैं वो सब मिल के कल्चर बनाते हैं अब बच्चों के कल्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं तो बजाय इसके कि उसिटी के नाम पर हम किसी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करें इसके इसके बजाय हमें करना ये है कि हमें उन बच्चों के कल्चर को एक्सेप्ट करवाना है और हमें बच्चों को बताना है कि सारे ही अहम हैं और काबिल इज्जत है और जिसकी जो रिवायात है वो उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे दैन एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस सिलसिले में क्या हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स बच्चों को बताएं कि असल में चीज़ें मुख्तलि क्यों होती हैं और उनका ओरिजिन क्या है कि भाई वो फ़लाँ इलाक़े से ताल्लुक रखते हैं उस इलाक़े के लोग इस तरह से रहते हैं सो इस तरह के कपड़े पहनते हैं इस तरह के उनके सॉन्ग्स हैं वो इस तरह से वो रहना खाना पीना पसंद करते हैं तो अगर वो ये सब पसंद करते हैं तो ये उनकी पसंद है और उनका हक है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें करें जबकि हमारा हक है कि हम अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ें करें देन ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ ऑफ द यंगस्टर्स फिर बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जब वो बात करें एक दूसरे के साथ गुफ्तु में जाएँ तो आप उनकी मदद करते हुए उन्हीं के आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हुए उनको बताएं जैसे आप बच्चों से जैसे मैंने आज किया उनसे एक छोटी छोटी कन्वर्सेशन रखें कि भाई आप कौन हैं आप क्या करते हैं कहाँ रहते हैं आपके दादा दादी कहाँ के रहने वाले थे आपके घर में कोई तकरीब होती है तो आप क्या करते हैं अफला सेलिब्रेशन जो है वो किस तरह से कन्डक्ट करते हैं तो जब बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं और वह कुछ अधूरे सवाल पे बात हो रही होती है कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन पे हो रही होती है तो उस्ताद का या वाले का काम है कि वो उसको मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में उनके सामने पेश करें ताकि वो उसमें से एक होलिस्टिक आइडिया जो है वो जनरेट करें और फिर उनको पता चले कि दुनिया में हर तरह के लोग हर तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं सबके हकूक़ हैं सब बराबर हैं और वसाइल के ऊपर भी सबका बराबर का हक है